नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों चलिए आज की TTL में हम लोग देखते हैं कि एक वाउचर के अंदर अपनी खुद की फील्ड ऐड करके उसको प्रिंट कैसे कराएं। मान लीजिए यहां पे आपने कोई डिटेल डाल दिया, सेल्स पर्सन का नाम डाल दिया या और भी जो भी डिटेल्स आप डालना चाहें, यहाँ पर जो भी डिटेल आप डालते हैं उसको अपन प्रिंट में भी निकाल पाएँ और यहाँ पर वाउचर में भी आपका सेव रहे। सबसे पहले दोस्तों अपने को टैली को डेवलपर मोड में ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं विंडोज R प्रेस करता हूँ, यहाँ रन कमांड आया और रन कमांड में टैली का आपका पूरा पथ डबल यूनिटेड कॉमा के अंदर देना है और साथ में स्लैश लगा के DEV मोड लिखेंगे और ओके करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अपना टैली डेवलपर मोड में ओपन हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे टैली प्राइम डेवलपर भी ओपन करना है। अगर आपने टैली प्राइम डेवलपर अभी तक डाउनलोड करके नहीं रखा है, इंस्टॉल करके नहीं रखा हुआ है, तो टैली TTL लर्निंग सीरीज की आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें बताया हुआ है कैसे अपने को टैली प्राइम डेवलपर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसमें वर्किंग करने से आप TTL बनाना जल्दी सीखेंगे और सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे न्यू फाइल का एक लोगो दिख रहा है, कंट्रोल एन करेंगे या तो यहाँ फाइल में भी जाके यहाँ से भी आप न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं। तो अब अपने को फाइल का नाम देना है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में ही इसको सेव कर दे रहा हूँ। एक फ़ाइल का नाम दे देता हूँ ओन फील्ड करके, ओन फील्ड TTL। आप चाहें इस तरीके से कुछ नाम आप डाल दीजिए, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे अपने पास में ब्लैंक स्क्रीन है इसकी, इसमें हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो अपना कोड यहाँ पे सेव होते जाएगा, यानी कि ये जो आपने अभी फाइल सेव किया यहीं पे आपके सारे कोड लिखते चले जाएंगे। तो अपने को दोस्तों वाउचर में यहाँ पे ऐड करना है। तो अगर आप सेल्स वाउचर में चाहें सेल्स वाउचर में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सेल्स वाउचर में गया तो आप अभी देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्जर है वहाँ पे वाउचर करके लिखा हुआ है। मैं अगर अपना कर्जर मूव करूँ, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे VCS नंबर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इधर और कहीं लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं VCS क्वांटिटी टाइटल करके लिखा हुआ है, और इधर कहीं बीच में लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं इधर अपना वाउचर लिख के आ रहा है। तो अपने को ये वाउचर वाला फॉर्म जो है वो खोजना है टैली प्राइम डेवलपर में। तो खोजने के लिए यहाँ पे कंट्रोल जे करना रहता है, आपको ऊपर में फॉर्म टाइप करना है, ठीक है। अब इसमें दो ही चीज़ दिखती है, एक फॉर्म दिखता है और एक दिखता है अपना फील्ड का नाम। तो अभी जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लिखे हुए वाले पर अगर मैं लेके जा रहा हूँ कर्जर तो ये फील्ड का नाम है, बाकी अगर मैं ऐसे बाहर लेके जा रहा हूँ यहाँ जैसे वाउचर लिख के आ रहा है तो ये अपना फॉर्म का नाम है। तो इसलिए अपन यहाँ पे ऊपर में फॉर्म डिफिनीशन टाइप रखेंगे और नीचे वाले में जो नाम वहाँ पे दिखाता है उसको सर्च करेंगे। अभी वाउचर सर्च करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, गो करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये टैली के अंदर जो भी TTL कोड ऑलरेडी डले हुए हैं इसके कोडिंग के थ्रू, जिससे टैली चल रही है अपनी, उसका डिटेल यहाँ पर अपने सामने आ जाता है। अब इसमें अपने को फॉर्म के अंदर जैसे अपन TTL बनाते हैं, फॉर्म में पार्ट आता है, पार्ट में फिर लाइन आता है, तो इस तरीके से इसका कोड चलता है। पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका प्लेलिस्ट डला हुआ है ऑलरेडी, तो आप शुरू से देखेंगे तो अच्छे से सब चीज़ें समझ पाएंगे। तो अभी जैसे मैं और नीचे यहाँ पर आते जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेट करके डला हुआ है, कहीं कुछ डला हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डला हुआ है। तो ऑप्शन जो डला हुआ रहता है दोस्तों, जैसे फॉर्म का है तो सब फॉर्म उसका हो गया ऑप्शन वाले में। तो अब यहाँ पे और नीचे अगर जाएंगे तो इधर अपने को अगर पार्ट नहीं दिख रहा है, फॉर्म के अंदर पार्ट अगर नहीं दिख रहा है अलग से, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन वाले को सेलेक्ट करना रहेगा। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ और भी चीज़ें डली हुई हैं ऑप्शन ऑप्शन करके। तो अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे VCS टैक्स एडजस्टमेंट बटन, ये सब बटन के नाम हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस करके है, POS इनवॉइस, नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर करके है। तो अपन यहीं पे चलते हैं नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर वाले पे। तो अब इस पर जाएंगे कैसे, यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है। तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे फॉर्म में, अभी नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर वाले में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्विच करके भी लिखा हुआ है, जैसे अकाउंटिंग DE वाउचर, तो इसी का नाम यहाँ पर भी दिख रहा है स्विच वाले में भी। इधर आएँगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज VCS बेसिक फॉर्म करके लिखा हुआ है। और भी चीज़ें हैं जैसे इसमें भी पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है VCS अकाउंटिंग डिटेल्स करके इस तरीके से। तो अपन इसमें यूज वाला जो है इधर चले जाएंगे एक बार, तो इसमें अपने को ये मेन जो है VCS बेसिक फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन, VCS रजिस्ट्रेशन, अलग अलग ये पार्ट डले हुए हैं, यानी कि अपने को अब फॉर्म के अंदर पार्ट मिला जाके इसी पार्ट में अपने को चेंजेस करना है। तो अब जैसे VCS रजिस्ट्रेशन करके है, VCS स्टेटस करके है, टाइटल करके है, तो अब जैसे VCS रजिस्ट्रेशन है तो ये अपने को अगर चेक करना है ये वाउचर में कहाँ दिखता है, तो अपन इसको कॉपी करते हैं।
यानी कि यहाँ पार्ट से लेके पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके अपने कोड में इसको पेस्ट करेंगे। इसको ब्रैकेट के अंदर कर देना है और हैश लगा देना है। तो जो भी चीज़ें टैली में रहती हैं पहले से, उसके डिफिनीशन के आगे हम लोग यहाँ पे हैश यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे पार्ट्स करके जो लिखा हुआ है ये अपने को सिर्फ पार्ट लिखना है, ठीक है। इस तरीके से अपने को ब्रैकेट में रखना है इस पार्ट को, और यहाँ पे बैकग्राउंड करके डालते हैं, इसको मैं येलो कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से कुछ कलर के नाम आप डाल सकते हैं। अगर आपको देखने हैं कौन कौन से कलर हैं तो यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे तो आप कलर वाली लिस्ट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स दिए हुए हैं, तो जो भी नाम आपको चाहिए आप अपने कोड में उस नाम को यूज कर सकते हैं। अब इसको अपन सेव करते हैं दोस्तों। इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। बाकी यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस TDL को टैली में लोड करेंगे। तो अपने को टैली में जाना है, इधर हेल्प में जाना है, TDL एंड एड ऑन में चले जाना है, इधर मैनेज लोकल TDL करके आता है। तो यहीं पर अपने को TDL फाइल लोड करना है, जहाँ भी आपने TDL फाइल रखा हुआ है उसको इधर सेलेक्ट कर लेना है। ऑन फील्ड TDL करके अपन ने बना के रखा हुआ, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे लोडेड करके दिखेगा। अब अगर वापस चलते हैं, वाउचर ओपन करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं ये जो ऊपर वाली रजिस्ट्रेशन डिटेल वाली लाइन है वो येलो हो चुकी है। सेम वैसे ही बाकी लाइंस भी आप चेक कर सकते हैं। आपको जहाँ भी ऐड करनी है चीज़ों को आप उस लाइन में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए VCS टाइटल अगर चेक करना है कि ये कौन सी वाली लाइन है, कहाँ पे अपने को ऐड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे पार्ट का जो नाम आपने दिया हुआ है इसको आप चेंज करेंगे। जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया, VCS टाइटल कर दिया, सेव किया और TDL को दोबारा लोड। अभी मेरे पास में रिफ्रेश TDL है तो मैं यहाँ से रिफ्रेश कर सकता हूँ। अगर आपके पास रिफ्रेश TDL नहीं है तो आप TDL को जाके यहाँ TDL एड ऑन में जाके दोबारा से आप TDL को यहाँ सेव करेंगे, अगर आपने कुछ चेंजेस किया है तो। अब अगर अपन वाउचर में चलें तो आप देख सकते हैं पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल वाली लाइन येलो हो रही थी, अभी इसके सामने वाली लाइन येलो हो रही है, ठीक है। तो अपने को यही वाला यूज करना है। अब अगर अपन इसी लाइन में ऐड करना चाहते हैं तो अब इस लाइन में अपना खुद का पार्ट ऐड करना है, अपना खुद का फील्ड ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं, अपन खुद का पार्ट अपना ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऐड पार्ट और पार्ट का नाम दे देना है। तो यहाँ मैं LW पार्ट इस तरीके से एक नाम दे देता हूँ। आप कुछ भी ऐसा एक नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही नाम देना है। अब ये जो नाम आपने यहाँ पे दिया हुआ है इसका एक डिफिनीशन बनाना है अपने को, यानी कि इसको ब्रैकेट में डालना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लिएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंपली पार्ट और इसको पेस्ट कर देना है। अब पार्ट के अंदर TDL कोड जो चलता है अपना पार्ट के अंदर आता है दोस्तों लाइन। अब पार्ट में लाइन आएगा तो इधर लाइन लिखेंगे, ठीक है। लाइन को भी आपको नाम एक दे देना है, जैसे LW इधर मैं लाइन कर देता हूँ। आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही नाम देना है। और सेम इसका भी अपन डिफिनीसन इधर बनाएंगे, यानी कि इसको आपको ब्रैकेट में कर देना है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन्स ऐड कर सकते हैं, कॉमा लगा के फील्ड मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा लाइन चाहिए, एक से ज़्यादा फील्ड चाहिए उस पार्ट में। तो अब लाइन के अंदर आ जाता है फील्ड, तो यहाँ पे फील्ड ऐड करेंगे। इधर फील्ड का नाम लिख दिया मैंने LW फील्ड, एक अपना मान लीजिए टाइटल के लिए हो गया, तो यहाँ पे टाइटल के लिए मैं T लिख देता हूँ। LW फील्ड एक आपका डिटेल के लिए हो गया, जो भी आप वहाँ पे डिटेल डालेंगे, मतलब एक आप हेडिंग के लिए यूज कर लेंगे, दूसरा फील्ड आप यूज कर लेंगे डिटेल डालने के लिए, और तीसरे फील्ड भी है अगर, तो आप तीसरा फील्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने जो भी फील्ड का नाम दिया है इसका भी अपने को डिफिनीशन बना लेना है। यहाँ पे इसको भी कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं, ब्रैकेट में लेके आते हैं। अब यहाँ पे सेट एज करके अपने को जो भी उधर नाम देना है, जैसे जैसे वहाँ पे अगर अपने को हेडिंग का नाम देना है सेल्स पर्सन, इस तरीके से अपन हेडिंग दे सकते हैं। इसको डबल इनवर्टेड कॉमा कर देंगे। आप यहाँ पे बीच में चाहे स्पेस वगैरह जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे यूज इसका लिख देते हैं नेम फील्ड करके, तो अच्छे से वहाँ पे दिखेगा बोल्ड में। अब जैसे मैंने नेम फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है यूज में, तो ये कौन कौन से होते हैं तो अपन इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करके देख सकते हैं। नेम फील्ड हो गया, शॉर्ट नेम फील्ड हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड रहती हैं टैली में, बस आपको नाम डालना है इसका और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज नेम फील्ड लिख दिया और सेट एज में सेल्स पर्सन लिख दिया, तो ये अपनी हेडिंग वहाँ पे शो करेगी। अब अपन दूसरे फील्ड का भी डिफिनेशन बना लेते हैं, तो इसको भी अपन कॉपी करते हैं, ये वाली फील्ड को भी, और यहाँ पे ब्रैकेट में
इसका भी नाम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं यहाँ पे सेट ऐज कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ भी यहाँ पे ABC ऐसे कुछ लिख देता हूँ। बाद में इसको अपन सेट करेंगे कि आप जो भी वहाँ चीज़ें लिखे हुआ है। ठीक है, इसको अभी मैं सेव करता हूँ। अब अपना ये TDL अभी कंप्लीट है फिलहाल वाउचर के लिए। इसको अपन वापस चलते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, इसको लोड करूँगा या रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा। अब वाउचर में चले जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि इधर सेल्स पर्सन ABC हुआ है। ठीक है, तो अभी तो ये ABC के आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने से नाम टाइप करूँ, जैसे मैंने, और वो चीज़ आपका वहाँ पर शो करे। ठीक है, तो इसको भी अपन यहाँ भी यूज में नेम फील्ड रख सकते हैं। तो इधर यूज नेम फील्ड, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा वहाँ पे, बोल्ड में दिखेगा जो भी आप लिखेंगे। और सेट एज में और स्टोरेज में, एक अपन यहाँ पे स्टोरेज बनाते हैं पहले, इसको स्टोरेज का एक नाम दे देते हैं, ताकि आप जो भी नाम वहाँ पे लिख के उसको सेव करें वाउचर को, तो वो नाम आपका अगली बार भी दिखे जब भी आप वाउचर ओपन करके देखें। और सेट एज में भी अपन इसी को डालेंगे, लेकिन डॉलर के साथ में डालेंगे। ठीक है, इसको अपन जो स्टोरेज का नाम दे रहे हैं, सेम यहाँ भी सेट एज में भी डालेंगे और इसको डॉलर के साथ में कर देंगे। अब अपन ने जो भी स्टोरेज का नाम दिया हुआ है दोस्तों, उसको अपने को इधर सिस्टम UDF एक बनाना पड़ेगा। UDF एक बना के यहाँ पर वो नाम डालेंगे। ठीक है, नाम डाल दिए, कॉलम चेन स्ट्रिंग, अब यहाँ पर स्ट्रिंग रेट अमाउंट इस तरीके से, डेट टाइम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्ट्रिंग हो गया मतलब आपका टेक्स्ट से रिलेटेड, अगर आप वहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह शो कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे अभी स्ट्रिंग सेलेक्ट करते हैं। और कुछ भी एक यहाँ पे आपको नंबर दे देना है, तो इसी नंबर पे वो हमेशा सेव रहेगा जो भी आप काम करेंगे। अब इसको अपन सेव करते हैं यहाँ पे और चल के एक वाउचर देखते हैं क्रिएट करके। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ TDL को। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इधर सेल्स पर्सन नाम आ रहा है, ABC जो लिखा हुआ था वो नहीं आ रहा है। अभी मैं यहाँ पर एक वाउचर बनाता हूँ और यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ABC करके मैंने लिख दिया। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही नाम डालना है। एक वाउचर अपन अभी एक नॉर्मल ऐसे वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे जाके दिखाऊँ आपको, तो ये 17,57,000 वाला वाउचर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ABC अपना ये शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे नाम चेंज करते हैं, कुछ और नाम डालेंगे, तो अपना नाम चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे विवेक करके डाल दिया, अब इसको मैं सेव कर दूँगा, तो आप देखेंगे विवेक करके चेंज हो रहा है। अभी जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ सेल्स पर्सन पे भी अपना कर्जर जा रहा है। अगर आप चाहें तो ये सेल्स पर्सन पर कर्जर ना जाए, तो उसके लिए ये जो यहाँ पर सेल्स पर्सन लिखा हुआ है, इसको स्किप करा सकते हैं। तो ऐसा स्किप करेंगे और यस कर देंगे, तो वहाँ पर कर्जर नहीं जाएगा। अभी अगर रिफ्रेश करूँ, दोबारा लोड करूँ, एंटर करूंगा, तो ये सीधा नाम पे जाएगा। यहाँ पे अपने को नाम फिल करना है। आ चुका है अपना, ये वाउचर के अंदर आ चुका है। अपन इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में नहीं दिखेगा, पर मैं इसको आपको प्रीव्यू दिखाऊँ, तो अभी आप देख सकते हैं ये प्रिंट में कहीं भी नहीं शो करेगा। ठीक है, अब जैसे अपने को मान लीजिए यहाँ पर इनवॉइस में कहीं पर भी प्रिंट कराना है, जैसे यहाँ टर्म ऑफ डिलीवरी की जगह खाली रहता, थोड़ा सा यहाँ प्रिंट करा दें, या जहाँ कहीं भी आपको प्रिंट कराना है वहाँ पे आप उस नाम को प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कैसे कराएंगे, अपने खुद के फील्ड को, अपने खुद के UDF स्टोरेज को कैसे इनवॉइस में प्रिंट कराना है, चलिए देखते हैं। तो इनवॉइस में प्रिंट कराने के लिए दोस्तों अपने को इनवॉइस के अंदर जाना पड़ेगा, इनवॉइस के कोड के अंदर जाना पड़ेगा। उसके लिए वापस से यहाँ पर Ctrl J करेंगे और यहाँ पर फॉर्म रखेंगे डिफिनेशन टाइप, और यहाँ लिखेंगे कंप्रहेंसिव इनवॉइस। इधर कंप्रहेंसिव इनवॉइस करके आएगा, यहाँ पे जाएंगे अपन, इसको गो कर देंगे। अब ये कंप्रहेंसिव इनवॉइस आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अपन फॉर्म में हैं, फॉर्म के अंदर पार्ट आता है, जैसा टैली कोडिंग चलती है। अब यहाँ पे इनवॉइस टॉप करके है, पेज ब्रेक करके है, एक्सपेंस डिटेल करके है, EXPNV डिटेल्स। तो इसमें आप एक एक में जा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर जैसे कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया, तो अब मैं इधर आ गया और यहाँ पे देख रहा हूँ कि और भी अपने पार्ट यहाँ पे ऐड हैं। तो EXPNV टाइटल करके है, लीडिंग करके है, कॉलम करके है। ठीक है, और टाइटल वाला आपको यहीं पे एक पार्ट दिख रहा है, यही सेम पार्ट है। अगर मैं इस पे कंट्रोल से क्लिक करूँ, तो आप देखेंगे ये वाला हाईलाइट हो गया। इसके अंदर और भी स्विच करके ऑप्शन दिया हुआ है, स्विच वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल इन्फो है, इनवॉइस प्रिंट, QRC वगैरह इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो यानी कि अपन यहाँ पे थे कंप्रेहेंसिव इनवॉइस के अंदर, इसमें ओपी प्रेज ब्रेक ये वाला हो गया, इनवॉइस टॉप पेज हो गया। यहाँ भी चलते हैं डिटेल्स वाले में, बाकी बॉटम पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है टोटल साइन अप सिग्नेचर वगैरह का। तो अगर अपन यहाँ पे डिटेल्स वाले में चलें तो डिटेल्स वाले में इस तरीके से आ रहा है पार्ट अपना अकाउंटिंग इन्फो करके, इस पर चले जाए। तो यहाँ पर अपन सीधा चलते हैं अभी पेज ब्रेक वाले में, पेज ब्रेक पर चले गए। यहाँ पर टाइटल है, लीडिंग है, कॉलम है, तो यहाँ पे लीडिंग में चलते हैं इस बार। अब लीडिंग में आपको दो चीज़ें दिख रही, दो पार्ट दिख रहे हैं, एक टॉप लेफ्ट वाला, एक टॉप राइट वाला। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट राइट करके दिख रहा है, तो इधर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में अपना नाम, बायर कंसाइनी डिटेल लिखा हुआ है, और राइट साइड में इनवॉइस नंबर और बाकी डिटेल लिखे हुए हैं। तो अपने को राइट साइड वाले में जाना है, तो यहाँ पर टॉप राइट पर चले जाते हैं इधर। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक इन्फो है, टर्म करके है, बाकी चीज़ें हैं। तो अपने को जैसे टर्म में चेंज करना है तो अपन यहाँ पे टर्म में चले जाएंगे। अब यहाँ पे टर्म में गए तो इसमें लाइन अपने को दिख रही है, ठीक है, ये अपना पार्ट हो गया, पार्ट के अंदर फिर ये लाइन है। तो अपन इसी पार्ट को मॉडिफाई करते हैं टर्म वाले को, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, अपने कोड में चलते हैं और यहाँ पर उसको मैं पेस्ट करूँगा और शुरू में हैश लगा दूँगा, क्योंकि जो चीज़ें पहले से हैं टैली के अंदर उसके लिए अपने को पहले हैश लगाना रहेगा। इसमें मैं अपने को अब इसमें अपने को लाइन ऐड करनी है, तो लाइन किसके बाद ऐड करेंगे, तो यहीं पे ऐड कर देते हैं ई एक्स पी एन वी टर्म, ठीक है, इसके अंदर लाइन अपनी खुद की ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ऐड लाइन आफ्टर, ठीक है, ई एक्स पी एन वी टर्म, सब अपना खुद का नाम एक दे देना है, एल डब्ल्यू प्रिंट लाइन, ठीक है। और इसका अपन डिफिनेशन बनाएंगे, जो नाम आप यहाँ पे देते हैं इसी नाम को लेके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे लाइन लिखेंगे और इसको पेस्ट कर देते हैं, लाइन के अंदर फील्ड आता है, यहाँ पे अपनी फील्ड डालेंगे, ठीक है। और इसका भी अपन डिफिनीसन बना लेंगे, इसको कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसमें आप एक से ज़्यादा फील्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे अपन ऊपर में ऐड किए थे एक से ज़्यादा फील्ड, सेल्स पर्सन, ये सब दुनियादारी, तो एक से ज़्यादा फील्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब इस फील्ड में अपन करते हैं यहाँ पे, अपने को शो कराना है उधर, तो इधर अपन यूज कर लेते हैं पहले नेम फील्ड, ताकि वहाँ ठीक ठाक दिखे। नेम फील्ड अपन यहाँ पे लिख दिए। अब अपने को उधर जो भी ये चीज़ें हैं जो अपन वाउचर में डाल के रखे उसी को अगर प्रिंट कराना है, तो अपने कुछ नहीं करना, ये वाला स्टोरेज पूरा कॉपी करके इधर भी डाल देना है, यानी कि स्टोरेज लिख के आपको स्टोरेज का नाम इधर दे देना है, बस हो गया। इतना ही था प्रिंट के लिए, आपने स्टोरेज का नाम दे दिया, अब आपका प्रिंट में आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस से पे चलेंगे, ओपन करते हैं प्रीव्यू, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्म ऑफ डिलीवरी करके लिखा हुआ है, विवेक करके दिख रहा है। अगर यहाँ पे जो टर्म ऑफ डिलीवरी करके लिखा हुआ है इधर आपको सेल्स पर्सन लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अगर अपन इसके पार्ट में देखें यहाँ पे ऊपर में, तो ये एक्सपेरियन टर्म वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ एक दी हुई है, ठीक है। पहले तो आपने यहाँ पे देखा कि ई एक्स पी एन वी सब टाइटल ये डला हुआ है, और सब टाइटल में फिर उसका टर्म ऑफ डिलीवरी करके लिखा हुआ है, तो इसी को अपने को चेंज कर देना है। तो अपना ये पार्ट में ही चेंज होगा, तो अपन यहाँ पर लाइन करके पहले ये नाम डाल देते हैं सब टाइटल वाला, और ये जो पूरी लाइन है इसको उठा के उधर डाल देंगे लोकल करके जो है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म ऑफ डिलीवरी लिखा हुआ है इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, इधर मैं सेल्स पर्सन कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया अपना, इसको सेव करते हैं। आपको सेल्स पर्सन या इस तरीके से जो भी चीज़ें ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। वापस चल रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर यहाँ पर चलूँ इनवॉइस के अंदर में, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर अपना सेल्स पर्सन लिखा हुआ आ रहा है टर्म ऑफ डिलीवरी की जगह में, और पर्सन का नाम लिखा हुआ आ रहा है विवेक करके। तो और भी चीज़ें आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं, आप पिछली वीडियोज देखेंगे उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।